नमस्कार बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह रोज सर। तो हम लेकर आए हैं आपके सामने गुरु नीति का 24th पार्ट 24th आउट ऑफ 33rd पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सेकेंड। इसमें हम बात करेंगे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं 19th क्वेश्चन से। तो देखो, इसमें आपके सामने लैंग्वेज लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ इक्वल मोमेंटम। इन्फॉर्मेशन साथ के साथ यहाँ से कलेक्ट करते जाएंगे। इक्वल मोमेंटम हमें पहली इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन की मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, नॉर्मल टू द लाइन ऑफ फोर्स। तो इस केस में तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो पार्टिकल जब एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी है। फिर उन्होंने पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इन्होंने रिलेशन दिया हुआ, आपको उसका रेशियो बताना है। तो अब यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस डायरेक्शन में, एक पार्टिकल यहाँ से वी स्पीड से एंटर करता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी मूविंग चार्ज पे फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला हमारे सामने ये होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने ये देख लिया कि वी और बी का एंगल कितना था, 90। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, तो दैट फोर्स विल बी क्यू वी बी। अब ये जो फोर्स है ये वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में फोर्स, हम चलो इसको फिलहाल पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, नेगेटिव हुआ तो फोर्स नीचे आ जाएगा। तो फोर्स जो है वो कैसे होगा बेटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस केस में ये फोर्स क्या काम करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, तो ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आता है या रेडियस ऑफ पाथ का फॉर्मूला आता है, दैट विल बी एम वी बाय क्यू बी। अब एम वी इज व्हाट, मोमेंटम, तो इसको मोमेंटम लिख सकते हैं, तो पी बाय क्यू बी। अब इन्होंने पहले बोल दिया कि संवेग समान, मतलब मोमेंटम जो है वो इक्वल है, तो ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वो सबके लिए यूनिफॉर्म है, तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी क्यू के। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज ये तो सेम होते हैं, है ना, इनके नेचर चाहे अलग हो लेकिन चार्ज की वैल्यू तो सेम होती है ना। तो हमारे पास जब ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज की वैल्यू सेम है और मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो भी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो वो 1:1 के रेशियो में आ जाएगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी वी इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, then during a semicircular journey its gain in energy will be, जैसा कि अभी सर ने डिस्कस किया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसवर्स मोशन करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगा एफ ए एम वैक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर से हम डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो वी और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। इट्स मीन जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब फोर्स होता है तो इस फोर्स की जो डिलीवर पावर जो रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसका मतलब ये कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो बच्चों, 21 क्वेश्चन में आपको बोला है टू लॉन्ग थिन वायर डिस्टेंस ए अपार्ट। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे साथ के साथ हम उसका जो है विजुलाइजेशन करते जाएंगे, जो इन्होंने बोला उसको यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। टू लॉन्ग थिन वायर जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है ए, और ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जब इनमें करंट आई फ्लो होता है दोनों में। तो चलो पहले केस में हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे आई करंट, और चलो यहाँ इन्होंने डायरेक्शन की बात नहीं की तो हम फिलहाल सेम डायरेक्शन मान लेते हैं। जब वायर में सेम डायरेक्शन हो तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच का जो फोर्स हम मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ वो मान लेते हैं एफ, है ना, और इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है, ए सेपरेशन। अब इन्होंने यहां पे बोला है कि अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन वायर को डबल कर दें तो
तो दूसरे केस में हमने क्या किया, वायर्स के बीच की डिस्टेंस को जो है वो डबल कर दिया 2a। ओके, तो इस केस में हमने ये डिस्टेंस को कर दिया 2a और साथ में क्या किया, करंट को डिक्रीज करके i बाय 3 कर दिया। पहले कितना करंट था i, तो अब हमने कर दिया करंट को i बाय 3। तो इस केस में देखो हमने दोनों पैरामीटर चेंज कर दिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पर यूनिट लेंथ का, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। यहां पे डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल वायर, और आई वन आई टू उन वायर्स की करंट। तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट आई आई अपॉन टू पाई ए और इनटू कोई वायर की लेंथ का कुछ पोर्शन। ओके, तो इससे हमारे पास उस पोर्शन पे जो फोर्स होगा वो आ जाएगा डीएफ बाई डीएफ। तो इस फोर्स को इन्होंने कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है एफ। तो अब इन्होंने यहां पर फोर्स जो दिया हुआ है वो तो एफ दिया हुआ है, बाद में जब डेटा चेंज किया तो करंट को कर दिया 1/3 और डिस्टेंस को कर दिया 2 टाइम्स, तो 1/3 और 1/3। तो दूसरे केस में नेक्स्ट स्लाइड, तो दूसरे केस में जो हमारे पास फोर्स आ जाएगा DF2, तो DF2 दैट विल बी म्यू नॉट I/3 अपॉन 2a। तो अब यहां पर 2πa, ओके, एंड दिस इज DL2। तो इस केस में बाकी सारा डेटा सेम है, केवल यहां जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स थे जो यहां पर आए थे तो उसको हम लिख देते हैं। तो ये 2a जो नई डिस्टेंस है वो, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा 1/3, 1/3, 2, 1/18। तो ये फाइनली जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा 1/18 टाइम्स। तो हमारा जो इस केस में आंसर बनेगा वो बनेगा F/18। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा सर यहाँ पे। और अगर अपन सर यहाँ पे दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं तो जो इनके बीच का जो फोर्स रहेगा वो नेचर चेंज हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे आई के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। फिर वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे उस केस में अगर डायरेक्शन इनकी एक दूसरे के अपोजिट हो तो। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 22, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एस ये कुछ नहीं है, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट ए जे कैप एग्जिस्ट इन स्पेस, ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस विद ए स्पीड वी फ्रॉम ए पॉइंट डी 0 0, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट हिट द वाई जेड प्लेन इज। देखो हम क्वेश्चन के अंदर क्या लेते हैं, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हम जेड एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक है सर, एक चार्ज पार्टिकल है उसको एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है डी 0 0। ठीक है, यहां से नेगेटिव एक्स एक्स अलोंग इसको वी वेलोसिटी से क्या किया आपने, प्रोजेक्ट किया है। अब यहां पर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो क्या गिवन है, वाई एक्सिस के अलोंग गिवन है। तो यहां पर देखा जाए तो बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको गिवन है बी नॉट इनटू जे। अब देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ये एक चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज है इसका, ये v वेक्टर और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है, तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ वी एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो ये जो फोर्स है वो v और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, तो x और y ये दोनों एक्स वाई प्लेन जो है वो क्या हो गया, वी वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन हो गए। अगर एफ की बात करें तो ये किधर रहेगा, जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा या नेगेटिव एक्सिस के अलोंग रहेगा उसके लिए हम अपने को देखना पड़ेगा वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, माइनस आई के क्रॉस इसकी है जे के। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस आई लिख सकते हैं, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी,
फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस के के पर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर फोर्स किधर, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग लगा, तो इसकी वजह से ये एक्स जेड प्लेन के अंदर सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस अगर मैं बात करूं ये जो सर्कुलर पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्स से जेड प्लेन में रहेगा, ऐसा कुछ ये ऐसा प्लेन रहेगा, ठीक है। तो इसकी ये जो रेडियस है वो डेफिनेटली इस डिस्टेंस से कम होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा होगी तो यहाँ पे ये जो वाई जेड प्लेन है इसको टच करेगा, तो इसको टच कब नहीं करेगा, जब ये रेडियस जो है वो डी से स्मॉलर रहेगी या एटलीस्ट डी के इक्वल अपॉन डेल्टा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो ही किसको प्रोवाइड करवाएगा, अपने को सेंट्रिपेटल फोर्स को। तो एफ एम जो होगा वो किसका काम करेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स का काम करेगा, तो ये फोर्स क्यू वी बी हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये क्यू वी बी हो जाएगा और ये सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, एम वी बाई क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी, तो डी के इक्वल रख लेंगे, ये क्या हो गया एम वी बाई क्यू बी। अपने को वेलोसिटी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, क्यू बी डी बाई एम। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं 23 में। अब जो 23 क्वेश्चन में आपको दो रेल्स गिवन है और उनके ऊपर एक वायर गिवन है, इन दोनों रेल्स को हमने आपके डायग्राम से पता लग रहा है कि सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन सोर्स जो करंट सप्लाई कर रहा है वो करंट कॉन्स्टेंट नहीं है, वो करंट है वेरिएबल करंट। देखो यहाँ पे आई की इक्वेशन गिवन है और इन्होंने करंट के लिए ड्यूरेशन हमें दिया है टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू ए बाई बी। तो अब इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी एक बार उसको पढ़ लेते हैं। टू हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग रेल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पे जो डॉट डायरेक्शन गिवन है ना, ये हमें ध्यान में रखनी है। अब रेल्स आर कनेक्टेड, ए वायर ऑफ मास एम कैन स्लाइड ऑन द रेल, तो इस वायर का मास आपको गिवन है, ये एम मास गिवन है। साथ में रेल्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स विच ड्राइव्स करंट आई इन द सर्किट गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब ये करंट जो है वो पूरी वेरिएबल करंट है ना, तो ए और बी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। अब आपको बताना है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रेल्स एंड द वायर इज म्यू, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू ताकि वायर स्लाइड ना करे। तो अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हम देखें तो इसमें जो करंट है, चलो हम डायरेक्शन मान लेते हैं इस तरफ रही होगी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन वायर में ऐसे रहेगी। अब जब करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो हमारे पास वायर पे करंट अगर फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है। तो फोर्स की डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, करंट किधर है, नीचे की तरफ, अंगूठा शो करेगा करंट को, उंगलियां शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। फोर्स किधर आया, फोर्स आया टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। अब ये फोर्स इस वायर को स्लाइड करवाना चाहेगा तो फिर रोकने का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन करेगा। तो इस केस में जो दोनों रेल्स यहाँ पे, उन दोनों की वजह से नेट फ्रिक्शन लगेगा वो हम मान लेते हैं एफ एस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वायर स्लाइड ना करे, है ना, वायर डज नॉट स्लाइड। तो इस केस में हमें जो भी वायर पे मैक्सिमम फोर्स लग सकता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम रखना है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गया फिर तो वायर स्लाइड करने लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो सर इसी को आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हमारे पास करंट की जो इक्वेशन गिवन थी, पहले एक बार उसको देख लेते हैं, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, यही आपको गिवन थी, है ना। तो इसी इक्वेशन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो डी आई बाई डी टी ये हो जाएगा ए टी का वन और बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू टी। एक बार अगर आप करंट का ग्राफ बनाओगे तो करंट का ग्राफ देखो, आई जो है वो टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। टी स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला, लेकिन टी स्क्वायर का मल्टीपल है माइनस बी, इसका मतलब इन्वर्टेड पैराबोला। तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ये टाइम और करंट का वेरिएशन। अब इस केस में भी देखो करंट का एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो जहां पे भी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहां पे क्या होगा बेटा, उसका स्लोप जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो स्लोप है इसको मैं जीरो के इक्वल कर दूं, तो इससे मेरे पास टाइम आया a बाई टू बी।
तो ये वो टाइम है जब करंट मैक्सिमम होगा। अब करंट मैक्सिमम कितना होगा वो और निकाल लेते हैं। तो आई मैक्सिमम इज ए, टाइम की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो इससे आपके पास करंट की वैल्यू जाएगी ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो ये मैक्सिमम करंट है जो वायर में किसी इस ड्यूरेशन में, जो टाइम की वैल्यू आई अपने पास a बाई 2b, इस दौरान वायर में मैक्सिमम करंट इतना फ्लो होगा। अब इस मैक्सिमम करंट के केस में भी वायर स्लाइड नहीं करे तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए या जस्ट इक्वल भी हो गया तो भी कोई इश्यू नहीं है, तब तक भी अपना काम चल जाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी, यही होता है फॉर्मूला, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा वाला फैक्टर वन हो गया। यहां हम लिख देंगे इसको म्यू एम जी के इक्वल, और हमें उससे इक्वल करना है, कम करना है। अब हम फोर्स की जब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहां फोर्स मैक्सिमम कब होगा, देखो लेंथ तो फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड ये भी फिक्स है, तो फिर बात आ जाएगी सारी की सारी करंट पे। तो जब करंट मैक्सिमम होगी उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मैक्सिमम होगा। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन 4b एल बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो यहां से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल बी अपॉन 4b एम जी। तो म्यू कम से कम इतना तो होना चाहिए, या इससे ज्यादा भी होगा तो काम चल जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा थर्ड। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था इस क्वेश्चन बच्चों, कि आपको जो वायर पे जितना भी इस ड्यूरेशन में जीरो से लेकर के ए बाई बी इस ड्यूरेशन में जो फोर्स लग सकता है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम फोर्स को भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रखना है। कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर टाइम में भी वायर स्लाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब बाकी टाइम में तो वैसे भी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बाकी टाइम में तो फोर्स वैसे भी कम लग रहा है। तो जब मैक्सिमम करंट के केस में वायर स्लाइड नहीं करा तो बाकी तो वैसे भी नहीं करेगा, ये हमारा कंसेप्ट हो गया इस रेंज के लिए। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपन। एन इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r e r p एंड r l फॉर रेस्पेक्टिवली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो देखो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है काइनेटिक एनर्जी के ही जो है वो तीनों पार्टिकल के लिए सेम है। सेम है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को अपन तीनों के लिए कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब हर एक पोजिशन पे भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें रेडियस की, तो रेडियस क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी होता है। देखो मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या रख सकते हैं, इसको हम मोमेंटम रख सकते हैं, और मोमेंटम टी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। तो हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ टू के ई बाई एम, ये रूट के अंदर है एम बी बाई क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी तीनों पार्टिकल के लिए सेम है तो इसको कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, और बी यूनिफॉर्म है तो यहाँ से देखा जाए तो रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो रूट ऑफ एम के मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन पार्टिकल, ठीक है। तो इन दोनों का हम कंपेरिजन करते हैं तीनों पार्टिकल के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है, ई रहेगा, और इसका नेचर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव 2e रहेगा, और इसका नेचर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और चार्ज ऑन क्यू और प्रोटॉन जो रहेगा वो ई रहेगा, और इसका भी नेचर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब अगर मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो सपोज दैट हम एम कंसिडर करेंगे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, m बाई नियरली 1836। तो यहां से अपन अब इनका रेशियो देखते हैं तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रूट ऑफ m by 1836
into 1 by E. Ratio root of M by ये root जो है वो केवल ऊपर रहेगा by E ratio. अब अगर alpha particle की बात करें तो इसका मास है 4m by 2e. देखो ये 4 बाहर आ जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 cancel हो जाएगा. तो ये root m by E, root m by E, इसका मतलब इन दोनों का ratio क्या है, सेम है. तो ये दोनों को क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है. और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो रूट ऑफ एम बाई ई के 1/√1836 टाइम्स है. इसका मतलब ये इसकी वैल्यू जो रहेगी स्मॉलर वैल्यू रहेगी. तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलर रहेगी, ठीक है. तो इसका वर्ड अपना आंसर जो रहेगा वो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा. तो बच्चों अब हम आते हैं 25th question पे. इसमें आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है, ए पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो यहाँ पे चार्ज ऑफ पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल दिया, इलेक्ट्रॉन जितना बोल दिया. मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है ना, तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना बेटा. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, बी आपको गिवन है. इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस 100 वोल्ट पर मीटर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो अगर और लगा दें तो फिर ये पार्टिकल जो है स्ट्रेट पाथ पे चलेगा. तो देखो इन्होंने हमें क्या बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तब तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी 0.5 सेंटीमीटर. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई कर दें तो फिर वो स्ट्रेट पाथ में चलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद पार्टिकल का स्ट्रेट पाथ पे चलना, इट मीन्स उस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हुआ होगा. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स था उसको किसने बैलेंस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ने. मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा क्यू ई. तो यहां से क्यू कैंसिल आउट. अब इन्होंने हमसे पूछा है कि पार्टिकल का मास बताओ, लेकिन मास तो इस रिलेशन में नहीं आ रहा है. तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक दूसरी इंफॉर्मेशन जो रेडियस की है उसको यूज करेंगे. रेडियस कितना होता है बेटा, एम वी बाई क्यू बी, है ना. अब यहाँ पे इन्होंने हमें कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेकिन वेलोसिटी गिवन नहीं है. तो फिर हम वेलोसिटी को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं इन टर्म्स में. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से वी हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम. तो वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर दें तो यहाँ से फिर मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी क्यू बी आर बाई एम इंटू बी इक्वल्स टू ई. सो फाइनली मेरे पास जो यहां पर m की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा q b स्क्वायर r बाई e. अब केवल हमें यहां पे डेटा पुट करना है. तो चार्ज के बारे में इन्होंने क्या दिया हमें, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, ये तो इन्होंने चार्ज का डेटा दिया हुआ है. b कितना दिया है, 0.5 टेस्ला. तो मैं इसको 1/2 लिख लूं तो इसका स्क्वायर कर देंगे. रेडियस इन्होंने कितना दिया है, रेडियस इज गिवन 0.5 सेंटीमीटर. तो इसका भी ध्यान रखना, 0.5 मींस 1/2 और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10^-2, दैट्स इट. और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 100 वोल्ट पर मीटर. ओके, तो यहां पे हमने डेटा अरेंज कर दिया. अब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो एक बार हम इसको करके देखते हैं. 1.6, 1/2 का स्क्वायर 4 और वापस एक 1/2, तो ये हो जाएगा 1.6/8. ये तो हमारे पास डेटा हो गया. अब यहाँ पे पावर्स को अरेंज करें तो 10^-19, -2, -21 और उसके बाद -2, -23. तो 10 टू दी पावर ये हो जाएगी -23. सॉल्व करने पे आपके पास जो बनेगा ये बनेगा 2 × 10^-24. तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट तो यही था कि आपको पहले तो ये बोला है कि जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तब तो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो फिर स्ट्रेट चलना शुरू कर देगा. इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स ने बैलेंस किया. तो वहां से आपका कंसेप्ट जो है वो शुरू हो जाएगा. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजिड स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट I2
is lying on a horizontal surface near a lone current I1 carrying wire in same plane as shown in figure, the net force on loop due to wire will be. तो देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये एक स्क्वायर लूप है, इससे स्क्वायर लूप की जो साइड है वो क्या है, गिवन है हमारे को A, और यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है, A डिस्टेंस पे है, और इसमें जो डायरेक्शन है वो करंट की कुछ ऐसा दिया, ठीक है, और इसमें करंट जो है वो है I2। तो देखा जाए तो इस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा यहाँ पे इस प्लेन में वो कैसा रहेगा, इनवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेगी, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप को हम चार सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, इसके चारों साइड हो गए नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इस यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है इसको हम ए बी बोलते हैं, ये सी है, ये मान लो डी है। तो ए बी सेगमेंट पे जो फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, देखो करंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स किधर रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और ऊपर की तरफ मान लो इसके ऊपर टोटल फोर्स आया एफ, ठीक है। और सी डी सेगमेंट की अगर अपन बात करें तो सी डी सेगमेंट के ऊपर फोर्स किधर रहेगा, डाउनवर्ड्स। यहां पर देखो जैसा सिचुएशन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का है वैसा ही यहां पर है, सेम दोनों का लेंथ है, ठीक है, और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है, I2 है। इसका मतलब ये जो मैंने फोर्स बोला है F, दोनों सेम बता दिए, वो बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये दोनों जो है फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेगमेंट बीसी और एडी सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो बीसी सेगमेंट है इसकी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक है, और इस एडी सेगमेंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखा जाए तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ज्यादा होगी यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कम होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ सेम है, करंट का मैग्नेट्यूड भी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहेंगे, इसका मतलब इनके ऊपर फोर्स जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, पहले ये बात करते हैं। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट ऊपर की तरफ है, तो क्या रहेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर फोर्स बीसी को हम बोलेंगे म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2π इंटू इसकी डिस्टेंस हो गई 2a, और इसका जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4π, और इसका नेचर क्या हो गया, अट्रैक्शन, या फिर इसको टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसके बाद में अपन बात करें इस सेगमेंट AD की, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड्स, तो इसके ऊपर फोर्स क्या रहेगा, रिपल्सर रहेगा, तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ है, और इसके ऊपर फोर्स किधर था, इधर की तरफ। तो ये एफ एडी जो है उसकी बात अगर अपन करें तो एफ एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2π इंटू इसकी डिस्टेंस है a, ये पर यूनिट लेंथ का फोर्स हो गया, और अगर वायर की जो सेगमेंट AD है इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं मैं A से, तो टोटल फोर्स आएगा टुवर्ड्स राइट, या इसको हम पर बोल सकते हैं रिपल्सन नेचर, ठीक है। तो
अब इस स्क्वायर के चार सेगमेंट जो हमने अलग अलग कंसिडर किया उनके ऊपर फोर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, और इसके ऊपर नेट फोर्स जो रहेगा वो एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ए बी वैक्टर करेंगे आप लोग प्लस एफ बी सी वैक्टर करेंगे प्लस एफ सी डी वैक्टर करेंगे प्लस एफ ए डी वैक्टर करेंगे, लोग पे टोटल फोर्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो BC और CD पे दोनों जो फोर्स थे वो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो ये तो दोनों जीरो हो गया, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं मैं AB के ऊपर जो है वो क्या है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4π, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, टुवर्ड्स राइट है, तो अगर अपन इधर की तरफ एक्स एक्स लेते हैं इधर की तरफ वाई एक्स लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपन माइनस आई केप दे देते हैं, ठीक है। और फिर प्लस ए डी जो है उसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ये जो है यहाँ पे 4π है, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2π, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो प्लस आई के रहेगी, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें तो 4π अपन क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4π एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये माइनस 2 म्यू नॉट आई वन आई टू और इंटू आई के, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में 4π, और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो आई कैप रहेगी, आई कैप मतलब रिपल्सन नेचर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आ रहा है वो रिपल्सन नेचर म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम आते हैं अगले 27th क्वेश्चन पे। इसमें आपको कंसेप्ट जो दिया गया है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का दिया हुआ है। इसमें इन्होंने बोला है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 175, एक टर्न का एरिया आपको गिवन है 1 cm², टॉर्शन कॉन्स्टेंट जो आपको दिया हुआ है इसमें सी वो दिया हुआ है 10⁻⁶, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में इसको जब रखा और करंट फ्लो करवाया, करंट कितना फ्लो करवाया 1 mA, तो उस केस में इसमें डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो 1 डिग्री का आ रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दिया। अब जितना डिफ्लेक्शन उस कोइल में आता है उतना ही वायर में ट्विस्ट आता है, तो वायर में जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगा, कोइल में जब टॉर्क लगा उसकी वजह से मैग्नेटिक कोइल ने घूमना शुरू किया, कोइल घूमेगी तो वायर में ट्विस्ट आएंगे, तो ट्विस्ट आएंगे तो उसमें जो टॉर्शनल टॉर्क आएगा वो रिस्टोरिंग टॉर्क का काम करता है, तो इस केस में जो टॉर्शनल टॉर्क आता है वो रिस्टोर करवाने का काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना होता है, एम आई ए बी और ये होता है सी फाई। तो हमें यहां पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रिलेशन से हमारे पास आ जाएगा सी फाई अपॉन एन ए और आई। तो अब यहां पर हमें केवल डेटा पुट करना है, तो सी की वैल्यू कितनी है गिवन है 10⁻⁶, तो सी की वैल्यू 10⁻⁶, देन फाई कितना गिवन है 1 डिग्री, तो इसको हम करेंगे पाई बाई 180 रेडियन में, तो डिग्री डायरेक्ट पुट नहीं करना बेटा, ध्यान रखना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है 175, देन एरिया, एरिया 1 cm² था तो इसको भी आपको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस केस में जो 1 है इसको 10⁻⁴ ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे करंट की वैल्यू 10⁻³ 1 mA, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -7 पावर ऊपर जाके +7 पावर बनेगी, तो इधर तो आ जाएगा पाई बाई 180 इंटू 10 डिवाइड बाई 175, तो ये 0 कैंसिल आउट, तो पाई बाई 80 इंटू 175, तो ये हो जाएगा 175। अब इसको सॉल्व करोगे तो पाई की जगह पाई, तो 18 का पहाड़ा बोल दें एक बार अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 × 90 बचेगा, 18 × 26 = 9, ये हो जाएगा अपने पास 5, और फिर 18 और फिर इसमें आप 13 जोड़ोगे तो 31,
तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा सॉल्व करने पे, इसको जब आप सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पुट कर दो तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली 10^-3 बनेगा। तो ये अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू भी 3.14 ही होती है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आपका वो आंसर बन जाएगा, है ना। थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। टू वायर ए एंड बी कैरिंग करंट I1 एंड I2 एज शोन इन फिगर, द सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। ए थर्ड वायर सी कैरिंग ए करंट I इज केप्ट पैरेलल टू देम एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए सच दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर देखो ये दोनों वायर दे रखे हैं हमारे पास, ये ए वायर है और ये बी वायर है। इन दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसमें करंट है I1 और इसमें क्या है I2। तो अगर अपन न्यूट्रल पोजीशन की बात करें तो दोनों वायर की जब दोनों वायर में जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो न्यूट्रल पोजीशन हमारे को दोनों के बीच में कहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर इनके बीच में डायरेक्ट इनकी दोनों की जो करंट की डायरेक्शन है दोनों वायर में वो अगर अपोजिट रहती है तो इसका मतलब जो न्यूट्रल पोजीशन जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? इन दोनों के बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। इसमें हम एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी बोलते हैं कि जो छोटू जो स्मॉलर जो करंट रहेगा उस वायर के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं करंट की दोनों की वायर की जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में न्यूट्रल पोजीशन मिलेगी और यहाँ पे हमने इसे सी वायर को प्लेस किया है, ठीक है। और वो सपोज दैट फर्स्ट वायर से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, और दोनों वायर की जो डिस्टेंस है वो डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे वायर के ऊपर अगर अपन देखें सी वायर के ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्स जीरो होगा इसका मतलब हम यूं कहें कि इस वायर पे इसकी वजह से इधर की तरफ फोर्स और इस वायर की वजह से इधर की तरफ फोर्स, दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं कि यहाँ इस वायर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है तो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, इसमें सी में वायर में जो है करंट की डायरेक्शन आप चाहे सर कोई भी लें वो कोई मुद्दा नहीं है। तो हम सपोज दैट अपवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं एक बार के लिए। तो इस ए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो ये बी वन आ गया और ये क्रॉस डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इसकी वजह से बाहर की तरफ रहेगा, इसका मतलब B2 जो है वो क्या हो गया, डॉट। तो मैं यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो कर देता हूँ सी वायर की पोजीशन पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, जब हम B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे B2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, एक की इनवर्ड डायरेक्शन में एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो B1 का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो म्यू नॉट I1 बाई 2π इंटू डिस्टेंस इसकी क्या है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 इंटू 2π और I2 से डिस्टेंस क्या है d माइनस x। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट को कैंसिल कर देते हैं, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, d माइनस x इंटू I1 is equal to x into I2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो d into I1 minus I1 into x is equal to I2 into x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को x एलिमिनेट करना है, तो ये दोनों इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो x I1 plus I2 हो जाएगा is equal to क्या है I1 into D। तो यहाँ से x जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, I1 into D by I1 plus I2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आ रहा है वो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है सर जी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब देखो बच्चों यहाँ पे है ना
आपको दो वायर गिवन है, तो अगेन जो कंसेप्ट यूज होता है वो ये होता है कि अगर दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करते हैं। चलो अब यहाँ पे इसी कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन गिवन है, टू लॉन्ग वायर कैरिंग करंट कैरिंग वायर, वन इज फिक्स्ड, तो ये वायर जो है हमारा, ये जो वायर है जिसमें करंट जो है वो इस तरह से आई वन है, ये तो फिक्स्ड है। दूसरा वायर जिसमें करंट आई टू है, ये वायर जो है ये आर डिस्टेंस पे हमने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये वायर तो फिक्स्ड है, मतलब ये तो आपको ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो दूसरा वायर है उस पे नीचे की तरफ भी तो फोर्स लग रहे होंगे, वो फोर्स कौन सा होगा, mg। तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका वेट है ना। अब इसमें बोला है कि ये वायर जो है पूरे वर्टिकल प्लेन में है दोनों के दोनों, तो इसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा होगा। तो देखो अब इसमें करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा, इट मीन्स ये वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो अब इस केस में अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि दोनों अपोजिट तो हैं, तो अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो फिर यहाँ पे वायर स्टेशनरी भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को चेक करते हैं कि पहले ये देखते हैं कभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स अगर ये कैंसिल हो जाए तो अपना काम बन जाएगा, वायर स्टेशनरी होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होगा, तो इस केस में अच्छा इन्होंने जो मास दिया हमारा, मास नहीं दिया मैंने, दिया हुआ है इन्होंने पर यूनिट लेंथ, एम जो है वो पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ मैंने कैपिटल एम यूज किया है फिलहाल। अब इसमें इस वायर की लेंथ में मान लेता हूँ एल, ओके। तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, आर तो इनका सेपरेशन, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी एल, ये हो जाएगा एम जी के इक्वल, ठीक है। तो इस केस में जब हम इसी को आगे सॉल्व करेंगे, तो अब यहां पे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, इधर लिख देंगे एम बाई एल जी। अब एम बाई एल क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि आपको स्मॉल एम गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एम जी म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। उन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, तो आर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एम जी। मतलब दोनों वायर का सेपरेशन अगर हम इतना रखें तो अपना जो ये जो फ्री वायर था वो स्टेशनरी हो सकता है। तो अब इसके ऑप्शंस पे आ जाते हैं, तो ऑप्शंस में देखो हमारा ऑप्शन आ रहा है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई एम जी। तो फर्स्ट ऑप्शन मिला है कि अगर डिस्टेंस इतनी हो तो वायर विल बी इन इक्विलिब्रियम, सही बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, तो अपना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। चलो बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन अपवर्ड वायर इज रिवर्स्ड, रिवर्स्ड मतलब अभी अपोजिट थी, आप अगर इसको सेम कर दोगे देन अपर वायर कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, सही बात है। अगर आपने इस डायरेक्शन को सेम कर दिया, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दी, तो फिर तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये वायर तो ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि फिक्स्ड है, तो उस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है। फिर तो चाहे आप कितने भी डिस्टेंस रख दो वहां पे इक्विलिब्रियम बन ही नहीं पाएगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हेन आई वन आई टू आर इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन देन इक्विलिब्रियम ऑफ अपर वायर इज अनस्टेबल। अब इक्विलिब्रियम तो ये बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि अनस्टेबल होगा स्टेबल। चलो हम चेक करते हैं, जैसे मान लो मैं इस वायर को अगर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, तो जैसे मान लो मैं इस वायर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं आर डिस्टेंस से भी थोड़ा सा एक्स ऊपर, तो जैसे हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो यहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था वो तो कम हो जाएगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो अभी भी उतना ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हो गया, तो फिर नेट फोर्स वापस किधर आएगा। देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो नेट फोर्स वापस जो है वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो अगर नेट फोर्स वापस वायर को रीस्टोर करवाना चाह रहा है, इसका मतलब ये पोजीशन पे वायर का आना किस चीज को शो कर रहा है कि ये पोजीशन जो थी वो स्टेबल थी। अगर मान लो मैं वायर को इस पोजीशन से नीचे ले जाता तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ जाता और ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो एज इट इज रहता है, उसको कम मत कर देना, वो एज इट इज रहेगा, चेंज यहाँ पे केवल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा। तो जब वायर को नीचे लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उसको ऊपर धकेलेगा, और जब वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लेके आएगा, तो वायर आना तो उसी पोजीशन पे चाह रहा है। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है। तो अपना जो ऑप्शन आता है उस पर हम आ जाते हैं। अपना जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन,
वो कह रहा है कि I1 I2 आर इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन देन इक्विलिब्रियम ऑफ अपर वायर इज अनस्टेबल. ये अनस्टेबल वर्ड ने सारा काम खराब कर दिया, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया. चौथे ऑप्शन पर आते हैं, I1 I2 इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि यहां पे दिखाया गया भी है, एंड अपर वायर इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली देन इट स्टार्ट्स मेकिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. अब हमें ये तो पता था कि उसमें जो फोर्स लगेगा वो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, लेकिन SHM होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, इसमें जो आपने शिफ्ट दिया उस पे. तो चलो एक बार उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे अब इस केस को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने वायर को थोड़ा सा इसमें ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. तो इस केस में जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg. तो F नेट हम लिख देते हैं F ग्रेविटेशनल माइनस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिक्स है आपके पास mg, लेकिन इसमें जो आपके पास दूसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π. अब यहाँ डिस्टेंस क्या है, r प्लस एक्स, तो इसको लिख देते हैं r प्लस एक्स और वायर की लेंथ को हम ले लेते हैं l. कोई कंफ्यूजन इसमें? अब यहाँ पे जब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे में से मैं ऐसा करता हूँ, r को तो निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा r बाहर 1 प्लस एक्स बाई आर. अब यहां पर मुझे नेट रीस्टोरिंग फोर्स को x पे डिपेंडेंसी करवानी है, तो थोड़ा सा बायनोमियल का कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहां पर म्यू नॉट I1 I2 l को भी साथ में रख लेते हैं 2πr, और इसको लिख देता हूं 1 प्लस एक्स बाई आर टू दी पावर माइनस 1. अब हम जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो अगर x एक से काफी x बाई आर एक से काफी कम है, तो उस केस में यहां बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं. तो ये जो मेरे पास एक्सपेंशन बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट I1 I2 2πr 1 माइनस एक्स बाई आर. तो इस केस में ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई आर. अब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आएगा म्यू नॉट I1 I2 2πr और एक l भी था, तो ये टर्म से तो mg कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स बचेगा वो बचेगा म्यू नॉट I1 I2 l अपॉन 2πr स्क्वायर और साथ में बचेगा x. अब यहां ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना रहे हैं, तो ये मत सोचना कि फोर्स मीन पोजीशन से दूर है. नहीं, हमने ऑलरेडी रीस्टोरिंग ही लिया है, हमने ग्रेविटेशनल में से ही mg का मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स माइनस किया है. तो अब यहां पे फोर्स जो है नेट वो x पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी आ रही है और साथ में मीन पोजीशन की तरफ भी आ रहा है. तो मीन पोजीशन की तरफ आना तो शो कर रहा है कि ये ऑसिलेशन करेगा, लेकिन फोर्स की एक्स पे सिंगल पावर पे डिपेंडेंसी आना क्या शो कर रहा है कि ये SHM करेगा. तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन SHM की पूरी हो रही है, तो मतलब वायर जो है वो SHM कर लेगा. तो अपना पहला ऑप्शन सही था, दूसरा सही था, तीसरा क्यों गलत था, अनस्टेबल की वजह से, और चौथा सही हो गया. तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट है. हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे हम चलते हैं. एन इलेक्ट्रॉन इन द बीम ऑफ ए टीवी पिक्चर ट्यूब इज असल्टेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवाट. देन इट पास थ्रू ए रीजन ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट मूव इन ए सर्कुलर आर्क विद रेडियस 0.18 मीटर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड. देखिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के ट्रांसवर्स है, तो जो रेडियस होगी वो mv/qb से हम डिफाइन करते हैं, वेयर v इज वेलोसिटी एंड m इज मास. तो मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं. तो मोमेंटम क्या होता है, रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ke इंटू मास डिवाइड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड p. देखिए, अगर किसी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है q, उसको v वोल्ट से हम एक्सेलरेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा, k इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. ये v जो है वो वोल्टेज को बताता है. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अपन रिप्लेस करते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 क्यू इंटू वी स्मॉल m बाई क्यू इंटू वी. देखो q की पावर हाफ है, नीचे 1 है, हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1/2 डिवाइड में पावर में.
तो ये हो जाएगा 1 बाई बी टू वी स्मॉल एम बाई क्यू। अपने को मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करना है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई आर रूट ऑफ 2 वी एम बाई क्यू हो जाएगा। यहां पर ये वैल्यू अपन पुट करते हैं तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 0.18 इंटू रूट ऑफ 2 इंटू वोल्टेज कितना है 2 किलोवाट मीन्स 2 इंटू 10^3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो चार्ज पार्टिकल क्या है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10^-31 तो इसको अप्रोक्सीमेट 9 × 10^-31 हम पुट करेंगे और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10^-19। देखो ये -19 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा -12 बचेगा पावर, ये 3 कैंसिल करेगा क्या बचेगा -9 बचेगा पावर। अब देखो इस पॉइंट को अपन कैंसिल करते हैं तो बाई 10 होगा, 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 10^-8 हो गई तो रूट है इसका मतलब पावर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 10^-4 हो जाएगा ठीक है। ये 2 × 2 रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा 2 × 9 रूट से बाहर आएगा 3 बाई ये 16 है 16 बाहर आएगा क्या हो जाएगा 4 × 0.18 ठीक है। यहाँ देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा 0.6 तो ये क्या हो जाएगा 0.06 सॉरी तो ये 1/0.12 × 10^-4 इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 8.38 × 10^-4 टेस्ला ठीक है। तो ये अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका आंसर अपना 8.38 × 10^4 ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक रॉड जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से डाउन और इसमें एक स्प्रिंग गिवन है, एंगल ये कितना गिवन आपको 53। देन आपको बोला हुआ है रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड लेंथ 0.2 मीटर अटैच्ड टू द फ्लोर बाय फ्रिक्शनलेस हिंज एट पॉइंट बी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग विद फोर्स कॉन्स्टेंट के। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग इन्होंने जोड़ी हुई है जिसका फोर्स कॉन्स्टेंट कितना है के और के की वैल्यू कितनी गिवन है आपको के गिवन है 4.8 ओके। फिर इसमें वर्टिकल वॉल के साथ इसको अटैच किया हुआ है, रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में है, बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बी गिवन है 0.34 तो बी की वैल्यू गिवन है। डायरेक्ट इन द प्लेन ऑफ फिगर द करंट आई इज 6.5 आई की वैल्यू गिवन है 6.5 एम्पियर ओके। अब इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, देखो करंट कैरिंग वायर ना इसमें करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो वो कितना टॉर्क क्रिएट करेगा। देखो हर एलिमेंट पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे हर एलिमेंट का फोर्स लगेगा तो फोर्स जो है वो आई डी एल बी के हिसाब से लिखोगे तो हर एलिमेंट पे फोर्स जो है वो सेम आएगा और डायरेक्शन कैसा रहेगी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है करंट ऐसे तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसा आएगी ना तो हर एलिमेंट पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसा आ जाएगी। तो हम ओवरऑल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे इस रॉड को ऐसे दिखा देंगे और इसमें जो फोर्स है वो हम कहाँ लगा देंगे यहाँ से एल बाई टू डिस्टेंस पे। तो इस केस में अब जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फोर्स की वो है एफ हो जाएगा आई एल बी इंटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी एल बाई टू। तो अब हमारे पास डेटा क्या है करंट गिवन था 6.5 तो ये करंट आपको गिवन है 6.5 और एल गिवन है एल स्क्वायर हो जाएगा तो एल कितना गिवन आपको लेंथ कितना थी अपने पास 0.2 थी तो लेंथ यहाँ गिवन है 0.2 ओके तो लेंथ गिवन है 0.2 और 0.2 0.2 दो बार है तो 0.2 बाई 2 एक बार ये लिख दो और बी की वैल्यू क्या गिवन आपको बी की वैल्यू गिवन है 0.34
ठीक है, जब आप इस डेटा को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 0.0442 न्यूटन इनटू मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका टॉर्क का आंसर आ गया। अब इन्होंने देखो यहाँ पे ये बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रॉड को कैसे घुमाना चाहेगा, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे लग रहा है, तो इस केस में इसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच होना पड़ेगा ना, तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इस तरफ यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। अब जब स्प्रिंग यहाँ पे इस रॉड को घूमने से रोकेगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखो इन्होंने अगले पार्ट में क्या पूछा है, जब छड़ रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो वो एंगल 53 बनाती है, तो इस केस में पूछा है कि स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेस्ड है या कंप्रेस्ड है, तो देखो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कब आएगा, जब स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाए तो ये टॉर्क जो है वो रॉड को ऐसे खींचना चाहेगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन। तो यहाँ पे स्प्रिंग कौन सी कंडीशन में होगी, स्ट्रेस्ड कंडीशन में। और फिर हमने पूछा है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में इस दौरान, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर स्प्रिंग में जब एनर्जी स्टोर हमसे पूछा गया है तो सबसे पहले तो रॉड के लिए हम बात करते हैं टॉर्क नेट कितना करना है, जीरो, कब, जब ये इक्विलिब्रियम में है। तो टॉर्क नेट जब जीरो होगा तो इस केस में जो स्प्रिंग का फोर्स है वो किसके टॉर्क को बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को। अब स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा, के इंटू एक्स, तो इसको मैं डायरेक्ट एफ एस लिख देता हूं, या स्प्रिंग का टॉर्क पूछा है तो स्प्रिंग का टॉर्क हो जाएगा हमारे पास एफ एस इंटू स्प्रिंग फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना है 0.0442। ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये जो स्प्रिंग है इसका फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, तो ये कितना होगा बेटा, यहां से हिंज थी तो ये एल का साइन 53 कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एस एल साइन 53.0442। इससे आपको एफ एस मिल जाएगा 0.0442, एल की वैल्यू कितना था 0.2 और साइन 53 4/5। अब आपसे पूछा है स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग, स्टोर्ड एनर्जी आप कैसे निकालोगे, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है एफ एस स्क्वायर बाई 2k। जब हमें स्प्रिंग फोर्स पता हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो इस केस में एफ एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी तो 0.0442 अपॉन 0.8/5। इस पूरे का आप स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 2k, k की वैल्यू कितनी के बना आपको 4.8। तो इस पूरे डेटा को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 0.0069। ये हो जाएगी स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी। तो ये हमसे थर्ड पार्ट में पूछा गया था जो आपका क्वेश्चन था उसमें। तो पहले पार्ट में आपने मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क निकाला, दूसरे पार्ट में आपने टॉर्क बाय स्प्रिंग निकाला, और उन्होंने पूछा कि टॉर्क जब आ रहा है स्प्रिंग का जो फोर्स आ रहा है उसमें स्प्रिंग की कंडीशन क्या थी, स्ट्रेस्ड कंडीशन है, और जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है तो डिफॉर्मेशन की वजह से इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी। ये हमारा था क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर इज माउंटेड ऑन ए बैलेंस कैरी ए करंट एट द लोकेशन ऑफ द रोड, ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड 0.067 टेस्ला एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रोड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द रोड इज मेजर्ड, ये रोड है ये बाय मिस्टेक है रोड, बाय द बैलेंस एंड इज फाउंड टू बी 0.13 न्यूटन, व्हाट इज द करंट। देखो ये रोड है, इस रोड को आपने एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इस रोड के परपेंडिकुलर है, और इसके अंदर कोई करंट आई फ्लो कर रही है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आई फोर्स आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जब एल और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये आई एल बी साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा एफ आई एल बी के इक्वल हो जाएगा।
देखो इस फोर्स को हमने एक स्प्रिंग बैलेंस है इसकी हेल्प से मेजर किया है और उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना है 0.13 इज इक्वल टू आई अपने को मेजर कैलकुलेट करना है और एल की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 0.067 यहां से अपन आई को कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो 30/100 इज इक्वल टू आई इंटू 2/10 इंटू 67/1000 देखो ये दो जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 100 इधर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1300 डिवाइड बाई 134 इज इक्वल टू आई क्यू ये एम्पियर है। अब देखो इसको और आगे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 10 के नियर बाई आंसर आएगा तो आई की वैल्यू 9.7 एम्पियर हमारे पास आंसर निकल गया है। ठीक है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर और इसकी स्पीड आपको गिवन है कितना गिवन है 1 cm/s ओके और ये हॉरिजॉन्टल रेल स्पेस जो देखो ये सिस्टम के बोर्ड वर्टिकल होता है लेकिन सिस्टम पूरा हॉरिजॉन्टल है ना तो उस पर मूव कर रहा है और इस केस में यूनिफॉर्म फील्ड भी 1 tesla यहाँ पर हमने अप्लाई किया हुआ है ओके If key S is closed at certain instant, the current in the circuit after 1 millisecond, तो हमें बताना है स्विच को क्लोज करने के बाद करंट कितना होगा इस सर्किट में ओके हमने मान लो किसी जीरो टी जीरो इंस्टेंट पे इसको क्लोज किया होगा और इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितना गिवन है 1 ohm, तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 ohm, L की वैल्यू आपको कितना गिवन है L आपको गिवन है यहाँ पर 1 mH, तो L गिवन है 1 mH। अब देखा जाए जब ये रॉड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगा EMF, तो जो EMF की पोलैरिटी होगी वो किस तरह से होगी देखो मोशन ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो पॉजिटिव एंड बनेगा ऊपर की तरफ है ना तो इस पॉजिटिव एंड की वजह से पूरे सर्किट में जो है वो करंट इस तरह से फ्लो होने लग जाएगी। अब ये किस तरह का सर्किट होगा LR सर्किट जिसमें ये रॉड जो है वो कॉन्स्टेंट सेल की तरह काम करेगी तो चलो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं हम तो अब इस केस में आपके पास यहाँ पे सर्किट जो है रॉड जो है वो तो एक सेल की तरह काम कर रही है साथ में यहाँ पे एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो इस केस में और यहाँ पे जो EMF होगा वो EMF कितना हो जाएगा EMF हो जाएगा BLV ओके। अब इस केस में जो करंट होता है हमें पता है LR सर्किट का करंट कितना होता है I इज आई नॉट ई टू दी पावर 1 - e टू दी पावर माइनस टी बाई एल बाई आर ओके। तो अब यहाँ पर हमें डेटा पुट करना है आई नोट कैसे निकालेंगे आई नोट हो जाएगा स्टडी स्टेट करंट तो इस केस में आई स्टडी स्टेट करंट क्या हो जाएगा EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस तो इसको हम लिखेंगे BLV डिवाइड बाई आर 1 - e टू दी पावर माइनस t अपॉन एल बाई आर। अब इस पूरे में आपको केवल डेटा पुट करके सॉल्व करना है तो चलो सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। यहां पे हम b कितना गिवन है हमें 1 tesla l कितना गिवन है हमें l कितना गिवन था हमें देखते हैं एक बार लेंथ इसमें आपको गिवन है 10 cm लॉन्ग तो 10 cm यहां पे ये हो जाएगा 10^-2 देन उसके बाद हमें डेटा चाहिए v का v दिया हुआ 1 cm/s तो 10^-2 मीटर में आ गया r कितना गिवन है 1 ohm फिर उसके बाद 1 - e^-, टाइम दिया हुआ है 1 ms 10^-3 और l बाई आर l और r की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास 1 ms ही आएगा ओके तो ये तो जाएगा e^-1 और यहाँ सॉल्व करने पे कितना आ रहा है हमारे पास 10^-3 1 - e^-1 तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे जो भी गिवन है इसमें e^-1 की वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन में गिवन है एक बार देख लेते हैं क्या गिवन है वो
तो e टू दी पावर माइनस वन की वैल्यू आपको गिवन है 0.37, तो 0.37 को जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 0.63 mA, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको एक LR सर्किट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ तक अपना जो है सारा स्लाइड्स कंप्लीट होती है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इस पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से आपको जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर होता है और मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज होता है उसके क्वेश्चंस किस तरह से हम किस अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को जारी रखें और ऑल द बेस्ट फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू।